Can we have Sudhanshu Trivedi on screen? Okay, Sudhanshu Trivedi. Welcome to Big Story, Big Debate. You're a senior spokesperson of Bharatiya Janata Party. My straight question to you, sir, tonight, and it is a big one. बड़ा सवाल आपसे मेरा पहला यही है, क्या आपको लगता है एनआईटी के मामले पे कई नेता एक्सपोज हुए? नेता इसलिए एक्सपोज हुए हैं जो कन्हैया कुमार के समर्थन में खड़े थे, जो जेएनयू के देश विरोधी छात्रों के समर्थन में खड़े थे, वो अभी तक एनआईटी का रास्ता ढूंढ नहीं पाए। दूसरा बड़ा पॉइंट, डिप्टी सीएम आपकी पार्टी के डॉक्टर निर्मल सिंह ने एक बयान दिया कि ये यूनिवर्सिटी का अंदरूनी मामला है, क्या आपको लगता है कि इससे खराब बयान इस मामले पे नहीं हो सकता था? तीसरा बड़ा मामला, जो बर्बरता हुई उन छात्रों पर जो तिरंगा फहरा रहे थे, पुलिस कैंपस के अंदर घुसी और उनके कमरों में घुस के उनकी पिटाई हुई तिरंगा फहराने के ऊपर, क्या आपको लगता है कि स्टेट पुलिस के ऊपर बहुत से गंभीर सवाल है और होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल टेक अ प्रोएक्टिव एक्शन? देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके दो पक्ष हैं। एक है एनआईटी की हुई घटना, उसमें छात्रों के साथ हुआ दुर्व्यवहार, उनके साथ हुई बर्बरता और उस पर होने वाली कार्रवाई। दूसरा है विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रवाद का विषय, उस पर होने वाली राजनीति और जम्मू कश्मीर के विशेष संदर्भ में उसकी बात। अब मैं आता हूं पहले पक्ष पे। जहां तक पहले पक्ष की बात है, हमारी सरकार इस विषय पे पूर्णतः संवेदनशील और सजग दोनों थी। जैसे ही घटना की जानकारी लगी, कल ही शाम को गृह मंत्री ने डीजीपी से बात की और स्थिति के बारे में प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। फिर चूंकि शिक्षण संस्थाओं का मामला है, तो हमने कहा ना, हम इस विषय पे संवेदनशील भी हैं, इसलिए एचआरडी मिनिस्ट्री से बात हुई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्र सरकार की तरफ से वहां जांच दल भेजा है, जो कि इस समय छात्रों के भिन्न भिन्न समूहों से बात करके सारे तथ्यों की जानकारी ले रहा है और उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसको ध्यान में रखकर जो भी व्यक्ति दोषी होंगे उन पर उपयुक्त और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निर्मल सिंह का बयान जायज था? अब निर्मल सिंह के बयान पे आता हूं। देखिए, निर्मल सिंह जी का कल बयान आया, उनको पुलिस या पुलिस के किसी विशिष्ट अधिकारी ने जिस प्रकार का फीडबैक दिया होगा उसके आधार के ऊपर उन्होंने बयान दिया होगा, मगर अब जब जांच समिति गठित हो गई है तो जो इरेस्पॉन्सिबल होते सामने आ जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये पीडीपी के नेता कोई बात बोले तो समझ में आती है उनकी पॉलिटिकल लाइन होगी, लेकिन निर्मल सिंह बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव, आप ये गारंटी देंगे कि हिंदू वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दोबारा नहीं लगेगा? अब मैं आप में गारंटी देंगे सुधांशु के वहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दोबारा? ओके, लेट सुधांशु रिप्लाई। ओके, अब मैं आता हूं दूसरे पक्ष के ऊपर। ये बात भी सही है कि भाई छात्र राजनीति की बात आती है तो जेएनयू में जो कहा गया, अमीश जी मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं, जेएनयू में अफजल की फांसी को लेकर, कश्मीर की आजादी को लेकर जो नारे लगे, अरे कश्मीर के किसी दल ने कुछ बोला नहीं? बोला न बीजेपी ने, कांग्रेस के किसी कश्मीर के नेता ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जो सत्ताधारी है उसने नहीं बोला। सारा का सारा दर्द कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं में ही हो रहा था। यह दर्शाता है कि कंसर्न नहीं था सिर्फ राजनीति और, लेकिन वो पॉलिटिकल टूरिज्म एनआईटी में मिसिंग हो जाता है पूरी करने दीजिए। जो जेएनयू में जारी रहता है, जेएनयू में पुलिस के घुसने पर जिनको इतना कष्ट हो रहा था, एनआईटी में पुलिस की बर्बरता के बाद भी एक नेता नहीं जा रहा है, एक नेता बयान नहीं दे रहा है। ये तो सेलेक्टिव बात है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, राकेश सिन्हा जी ने जो बात कही थी, मैं उसके समर्थन में एक बात कहना चाहूंगा। जहां तक भाजपा और हमारा विषय है कश्मीर के बारे में, वो सिर्फ परिवर्तन की बात सिर्फ हाल ही के संदर्भ में नहीं आई है कि कोई अगेंस्ट में नहीं बोल रहा है। पिछले 60 साल में जब जब कश्मीर को राष्ट्रवाद की धारा से जोड़ने की बात आई हो, प्रतिपक्ष में हो या सत्ता में, हमने किया। दो झंडे दो निशान कब खत्म हुए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के बाद। और 1980 के दशक में, 90 में जब कश्मीर बर्बादी में जलने लगा था, 10 साल तक वो दौर था जब कश्मीर का राज्यपाल या मुख्यमंत्री भी पहली बार झंडा फहराया गया 26 जनवरी 1999 को, उस दिन भाजपा की सरकार थी। कश्मीर के साथ सुधांशु त्रिवेदी भी मान रहे हैं कि वो नेता एक्सपोज हो रहे हैं जो जेएनयू में पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए गए थे, एंड दे आर योर क्लोज फ्रेंड्स केसी त्यागी, बीट आम आदमी पार्टी, बीट कांग्रेस। जिस दिन मुफ्ती साहब ने शपथ ली, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर मौजूद थे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने बढ़िया दोस्त से कहना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से, उस दिन दो झंडे थे, दो विधान थे, दो संविधान, बिल्कुल सही, कभी खत्म नहीं हुए। अब जब 4 दिन पहले महबूबा,
नंबर एक बोल रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, अब चार दिन पहले जब निर्मल सिंह जी जो संघ के स्वयं सेवक हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शिष्य हैं, आपकी पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जब उन्होंने शपथ ली है, दो झंडे थे, दो विधान थे, दो संविधान थे, तथ्यों को खराब मत कीजिए। आप राजनीति खूब कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपनी पार्टी को डिफेंड कीजिए, हर आदमी करता है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शिष्य श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री होते हुए दो झंडे, दो विधान और दो संविधान थे। सुधांशु द्विवेदी योर रिप्लाई टू केसी त्यागी। मैं त्यागी जी के प्रति पूर्ण विनम्रता से कहता हूं, दो प्रधान कैसे थे? 53 से पहले क्या कहा जाता था? कश्मीर में प्रधानमंत्री होता था, सदर रियासत। क्या जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, दो मुफ्ती मोहम्मद सईद जी मुख्यमंत्री थे कि प्रधानमंत्री थे? दूसरी बात, अगर दो संविधान है तो धारा 370 क्या है? धारा 370 भारतीय संविधान का अंग है, यानी 1953 के बाद दो भारतीय संविधान का हिस्सा हुई। और दूसरी बात, अरे भाई, जिन्होंने बर्बादी मचा दी, जिन्होंने 1948 में कश्मीर को फंसाया, दुनिया में इकलौता मामला है कश्मीर जहां बड़ा और ताकतवर मुल्क यूनाइटेड नेशंस में गया, वरना हमेशा हारता हुआ कमजोर मुल्क जाता है यूनाइटेड नेशंस में, हमने जाके फंसाया, फिर हमने 30 साल फंसा के रखा, फिर जो एथनिक क्लिंजिंग हुई घाटी में कश्मीरी हिंदुओं का भागना, उसमें भी किस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। अरे जिन्होंने 60 साल में इतनी क्रॉनिक डिजीज कैंसर जैसा पैदा कर दिया, वो आज हमसे कहते हैं कि थोड़ी सी सुधार दिखाई पड़ रहा है, अभी दौड़ क्यों नहीं रहा है मरीज? इसलिए यह बात मुझे तर्कसंगत नहीं लगती है और उचित नहीं लगती। ओके, कैसी जागी बोल चुका मेरे, कैसी जागी? कश्मीर का भारत में विलय 15 अगस्त 1947 को क्यों नहीं हुआ था सुधांशु जी? जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से। सारे देश के राजा थे, उनका नहीं, गलत, गलत, जिनके साथ आज आप खड़े हुए हैं। देखो सुनो, आप विद्वान आदमी हैं, सुनो ना प्लीज, वो तो किसके साथ आप खड़े हुए हो वो भी मैं जानता हूं, प्लीज तर्क की बात कीजिए, विद्वान आदमी, पढ़े लिखे आदमी है। 15 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का भारत में विलय करने से मना कर दिया। 6 सूत्री प्रोग्राम उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को दिया और हिंदुस्तान की सरकार को दिया। सर प्रेजेंट में आते हैं, की सरकार ने 6 सूत्री प्रोग्राम मान लिया, आप तय करेंगे कब क्या आएंगे? एक बात हो रही है तर्क की, आप तो चाहते हो जेएनयू का जिक्र आए, देशद्रोही दिया जाए, कोई बात है क्या? एक ऐतिहासिक तथ्य मैं बता रहा हूं, वो कह रहे जवाहरलाल ने उलझाया है, अजीब आप तर्क करते हैं। ओके त्यागी साहब, लेकिन अभी का जो मुद्दा है उसके ऊपर आप यू कंप्लीट योर सेल्फ देन वी विल कम टू। नहीं, मेरी बात सुनिए अभी से, आप नहीं, आप तो बीच में आप तो एंकरिंग नहीं करते, आप मॉनिटरिंग भी करते हो। मैं कह रहा हूं जरूरी है, 1947 को जवाहरलाल वाज नोवेयर, जवाहरलाल वाज नोवेयर, इट वाज राजा महारी सिंह ऑफ जम्मू कश्मीर जिसने भारत में विलय करने से मना कर दिया। समीर कौल जी बैठे हुए, उनसे बात कीजिए आप, राजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह जिंदा है, उनसे बात कीजिए आप, हमारे से तथ्यों के आधार में बात कीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल, आपने आपने आप बिल्कुल, आप दोनों अपने अपना इतिहास बता रहे हैं, और अगर मैं मॉनिटरिंग नहीं करूंगा तो बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाएंगे इतिहास सही कौन सा और गलत कौन सा। सुधांशु त्रिवेदी प्रेजेंट पे बात करते हैं, ये मुद्दा जो है एनआईटी का जो मुद्दा है, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट रहे? जोड़ना है इसमें, अमित जी मुझे 10 सेकंड दीजिए, नहीं नहीं अमित जी 10 सेकंड, नहीं मैं मेरा केस है आपके पास आ रहा हूं, सुधांशु को कंप्लीट करने दो। सुधांशु, क्या आपको लगता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट अगर होगा तो बेहतर होगा? देखिए मैं एक बात, जो चूंकि यहां पर संदर्भ आ गया है तो उस ऐतिहासिक तथ्य पे भी दो बात कहना चाहूंगा। देखिए एक बात तो मैंने हरि सिंह जी के विलय की बजाय मैंने तो कहा था संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन ले गया विषय को, पंडित नेहरू या कोई और? ले गए थे। दूसरी बात, आज का मुद्दा कहना चाहता हूं, जो बात लोग भूल जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो भारत की अंतरिम सरकार के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत सितंबर 1946 में प्रधानमंत्री बन गए थे, और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में महाराजा हरि सिंह के विरुद्ध होने वाले विद्रोह में वो उस समय शेख अब्दुल्ला के साथ खड़े थे। इस यथार्थ को भी समझिए ना, जिस कारण से उन्होंने जिस प्रकार का वातावरण बना, और उसने यदि इतिहास को रखिए तो पूरे तथ्य। ओके ओके, आज के टॉपिक पर आते हैं। 1946 से एज प्राइम मिनिस्टर नेहरू का क्या रोल था कश्मीर की प्रॉब्लम को समझाने में, सुलझाने में, या उसको और कॉम्प्लिकेट करने में? अब आइए प्रेजेंट वाली स्थिति। मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर? जवाब दीजिए अब।
ह्यूमन राइट्स के लंबरदार और ठेकेदार, वी आर मिसिंग देम। राकेश सिन्हा, राकेश सिन्हा, मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर? जी। और नेताओं को जम्मू कश्मीर में एनआईटी में पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं दिखाई दे रहा? उन छात्रों के साथ कोई नहीं खड़ा जो छात्र तिरंगा फहरा रहे थे, लेकिन देशद्रोह के छात्रों के साथ अरविंद केजरीवाल भी खड़े हुए दिखे, राहुल गांधी भी खड़े हुए दिखे, सीताराम येचुरी भी खड़े हुए दिखे और डी राजा भी खड़े हुए दिखे। हैदराबाद और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ऐसे पहुंचे जैसे कि कोई बहुत बड़ा घटनाएं घटी, जाना चाहिए, जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कश्मीर पर ये बैठ के ट्वीट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, इनका कहां गए मानवाधिकार के प्रति कंसर्न? लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं, त्यागी जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने नेहरू जी के बारे में जो बात कही उसमें मैं असहमत नहीं हूं, लेकिन त्यागी जी जब राजा हरि सिंह तैयार नहीं थे तो आपको मालूम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक सर, मुझे लगता है इतिहास इतिहास में हम जा रहे हैं, मैं प्रेजेंट की बात करता हूं, इतिहास में जा रहे हैं और फिर आप बोलेंगे मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है श्री गुरु जी के, राकेश जी दो झंडे और दो संविधान, इस इतिहास दो झंडे और दो विधान आपकी पार्टी वहां से खत्म, राकेश सिन्हा को कंप्लीट करने दीजिए, दिस इज मनी, ओके, कैन वी हैव राकेश सिन्हा ऑन स्क्रीन, कैन वी हैव राकेश सिन्हा ऑन स्क्रीन? आप मानी साहब, आप दो दो निशान दो संविधान के विरोधी हैं, समर्थक हैं, हटा देंगे? नहीं नहीं, हम तो हटाएंगे। आज आज जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया शुरू हुई है, 24 घंटे में परिवर्तन आप चाहते नहीं होगा, लेकिन आप बताइए, आप दो निशान दो प्रधान के समर्थक हैं, विरोधी हैं, आर्टिकल 370 के समर्थक हैं, विरोधी? ओके ओके, तस्वीर मेहमानी, आप लाएंगे जब हम हटाते हैं, सब खरीदना चाहता हूँ, आप भारत माता की आप तुरंत को लेकर जाएंगे वापस, आप चित भी मेरा पटी मेरा, आप कश्मीरियों को वापस, आप बताइए कश्मीरियों को वापस बसाएंगे? सरकार को आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई है, अभी पीडीपी के साथ आप नहीं हैं, मुद्दा यह है कि मुद्दे पर निकल आप जाएंगे, ओके ओके, क्या कोई उद्देश्य नहीं, राकेश सिन्हा के साथ हो जाएगा, आप सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, आप फूलों की राजनीति नहीं कर रहे, आप सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, सरकार भी रहेगी, राष्ट्रवाद भी पहुंचेगी, आप सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, सरकार की फूलों में राजनीति नहीं कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल असूलों की राजनीति, असूलों की राजनीति, हाँ सरकार आपको भूल गए, आप की राजनीति कौन कर रहे हैं, आपसे सवाल एक पूछा जाता हूं, क्या आपको लगता है आज वो नेता, चाहे वो सीताराम येचुरी हो, चाहे वो डी राजा हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो और चाहे वो श्रीमान राहुल गांधी हो, ये तमाम नेता एक्सपोज हो रहे हैं जो जेएनयू के मुद्दे पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और एनआईटी का रास्ता भूल गए हैं, जो देश समर्थकों के साथ तो नहीं है लेकिन जो देशद्रोह के नारे लगा रहा था उनके साथ खड़े हुए दिख रहे थे? ये गंभीर सवाल है रहमानी साहब, आपका जवाब क्या है इसमें? देखिए मेरे सवाल का जवाब, देखिए मैं ये इस बात को मानता हूं और मैंने कई बार ये बात कही है, आपके सामने भी कही, आपके चैनल पे भी कही कि सेलेक्टिव नेशनलिज्म की बात, और ये एज सच नेशनलिज्म है ही नहीं, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, या वो आम आदमी पार्टी हो, तमाम। लेकिन मैंने आपको बड़ा स्टेट क्वेश्चन पूछा, डू यू थिंक डी राजा, सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल, दे आर एक्सपोज्ड? दैट इज माय पॉइंट, मैं साफ कह रहा हूं ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, ये नेशनलिज्म नहीं है, और ये छात्रों का हक है कि वो नेशनलिज्म की डिबेट पर अपनी राय रखे, चाहे वो कश्मीर में रखे, चाहे वो जेएनयू में रखे। मिस्टर बिट्टा, योर टर्न नाउ। ताल साहब, मुझे जो नौजवानों के ऊपर तिरंगा झंडा जिन्होंने पकड़ा है, लाठियां चली, मुझे बचपन का जन याद आया जब मैं स्टूडेंट था, रेड टर्बन ब्रिगेड तैयार की थी और खालिस्तान के नारे लगते थे, कहते थे धोती टोपी जमुना पार, मौत का कफन बांध के काला रंग से मिटा करके चिट्टे रंग से निकते थे, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म एक, तिरंगे झंडे लेके निकलते थे, गोलियां चलती थी, बम चलते थे, कांग्रेस बीजेपी आरएसएस सीपीएम सीपीआई मिलके लड़ाई लड़ी ऐसे तिरंगे झंडे को लेकर के, और पंजाब में खालिस्तान नहीं बनने दिया। लेकिन अब क्या हो गया? कश्मीर के देशद्रोहियों के साथ तो तमाम नेता, देशद्रोहियों के पास तो तमाम नेता जाते हैं, मीटिंग करने के लिए भी बुलाते हैं, एनआईटी वारदात को
हो चुके हैं, कोई नेता नहीं गया। एनआईटी के मुद्दे पर कोई नेता नहीं गया। ऐसा है, आपने आपने वो डीएसपी का देखा, आपने डीएसपी का देखा कौन पहुंचा वहां पे? कोई दिक्कत नहीं। ये नौजवान निकले हैं जी, इनको हमारी तरह जैसे हमने लड़ाई लड़ी, इनको तिरंगा झंडा उठा के लड़ना पड़ेगा, चाहे गोली चाहे चाहे लाठियां चले, इन चीजों की कोई परवाह नहीं। पंजाब से सबक लेना पड़ेगा, कोई आए ओके 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 बेटा साहब, तिरंगा झंडा उठा के त्यागी कश्मीर के अंदर नई आजादी लेके देनी है। बेटा साहब, मैं केसी त्यागी साहब आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ और ये फाइनल क्वेश्चन होगा आपको। जेएनयू छात्रों के हित में खड़ी देश की सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, सेकुलर ताकतें एनआईटी में छात्रों पर अत्याचार के खिलाफ मौन क्यों हैं? ये एक गंभीर सवाल है। इस मुद्दे को उतनी तरजीह क्यों नहीं दी जा रही जो देशद्रोह के मामले में जेएनयू में दी जा रही थी? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू त्यागी साहब। के लिए एंकर बनना चाहता हूं, ये किस अदालत का फैसला आया है कि जेएनयू के लड़के देशद्रोही हैं? मैं वो पूछना चाहता हूं आपसे, कन्हैया की जो वो है बेल, उसमें भी ये लगाया है, उसमें कोई देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार को आप डिफेंड करेंगे त्यागी साहब? अच्छा नहीं लगेगा कन्हैया कुमार को अगर आप डिफेंड करने की कोशिश करेंगे तो। वो देशद्रोह के आरोपी है, मेरी बात सुन लीजिए ना, आप भी मंच पे बैठ करके मेरी बात सुन लीजिए ना। जो उसकी जमानत हुई है उसमें जज साहब ने कहा आप जज मत बनिए, आप एंकर बने रहिए। उसने कहा कि वो देशद्रोही का नारा, उस जजमेंट को कोट कर रहा हूं, लोग नकाबपोश जो आए थे, हां मैं भी उस जजमेंट को पढ़ रहा हूं। कन्हैया को देशद्रोही नहीं माना है, वहां पर देशद्रोह के नारे लगे, वहां पे अफजल गुल जिंदाबाद के नारे लगे, जिसको हम कंडेम करते हैं, नफरत करते हैं, फांसी लगाओ। कौन आप सर्टिफिकेट बांटेंगे देशद्रोह के? आप सर्टिफिकेट बांटेंगे देशभक्ति के? नंबर एक। नंबर दो, सेकुलर ताकतें मौन क्यों है एनआईटी के मुद्दे? हमारी संवेदनाएं जगी। हां मेरी सुन तो लो एक मिनट जी सर। जो तथा कथित राष्ट्रवादी ताकतें थी जिन्होंने जेएनयू में देशद्रोही नारों के खिलाफ देश भर में तिरंगा भारत माता सब चलाया था, वो पार्टियां उसके अलंबरदार अब कहां है? वो पार्टी आखिरी के साथ तालमेल की गई है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ये फाइनल कमेंट ऑन दिस। और मेरा एक आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार है केंद्र में भी और जम्मू और कश्मीर में भी बड़ी जिम्मेदारी है, चूक हुई है जम्मू कश्मीर की सरकार से? देखिए हम ईमानदारी से मानते हैं, पुलिस से चूक हुई। केंद्र में हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, पर हम पूरी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। दूसरा, मैं इसका संक्षिप्त में जवाब देना चाहता हूं। अभी कन्हैया कुमार की विधिक स्थिति, लीगल स्टेटस यह है कि वो देशद्रोह के मुकदमे में 6 महीने की जमानत पर है। तो ऐसा नहीं कि वो कोई बरी हो गए, और अभी कोर्ट ने उस बात को, चार्जशीट को स्वीकार किया हुआ है, तो गंभीर मामला उनके विरुद्ध विचाराधीन चल रहा है। वो तो हर भ्रष्टाचार का आरोपी कहता है कि अभी मेरे ऊपर आरोप है, सिद्ध कहां हुआ है, जब सिद्ध हो जाएगा तो वो चलेंगे, तो वो एक अलग बात है। दूसरी, अंत में एक बात कहूंगा, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म क्या होता है? देखिए अभी बिट्टा साहब ने एक बात कही, अकाली दल में भी एक धड़ा था एक दौर में जो देश के खिलाफ चला गया था खालिस्तान के साथ, हमने अकाली दल के साथ गठबंधन किया, मगर अंततः आज राष्ट्र की मुख्य धारा में पंजाब शामिल है। वैसे ही एक ईमानदार प्रयास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मगर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म क्या होता है भाई? पीडीपी कुछ बोले समझ में आता है, रीजनल पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ बोले समझ में आता है, अरे कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है। आप ये बताइए, आपके नेताओं ने, सैफुद्दीन सोज ने अफजल गुरु के पक्ष में बोला, शशि थरूर ने अफजल गुरु के पक्ष में बोला, मणिशंकर अय्यर ने अफजल गुरु के पक्ष में बोला, गुलाम नबी आजाद ने बोला, कम से कम राष्ट्रीय दल तो अपने दायित्व का निर्वाह करें, तभी इन समस्याओं का सही और वास्तविक समाधान निकल पाएगा। ओके ओके ओके, टाइम नहीं है, और बहुत सारे व्यूअर्स हमें कमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे व्यूअर्स अपनी राय रख रहे हैं ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, थैंक यू सो मच, आपने अपनी राय रखी। मंगल मंदोत रख रहे हैं कि क्या सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है, सो वी आर डिबेटिंग व्हाई लीडर्स डिड नॉट गो ऑन एनआईटी, ये लिख रहे हैं। उमाकांत लिख रहे हैं, जी बिजनेस, देश में सब कुछ बोलने की आजादी है, लेकिन सब कुछ या कुछ भी बोल दे इसकी आजादी किसी को भी नहीं है। समीर कॉल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियोज में आने के लिए। केसी त्यागी, प्लेजर हैविंग यू। मिस्टर बिट्टा, थैंक यू सो मच। तस्लीम रहमानी, राकेश सिन्हा, सुधांशु त्रिवेदी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय है और भारत माता की जय रहेगी, तिरंगा है और तिरंगा रहेगा, लेकिन अफसोस ये है कि देशद्रोह
का आरोप जिन पे लगा है उनसे तो मिलने के लिए कई लोग चले जाते हैं, लेकिन जो तिरंगा फहराते फहराते पिट जाते हैं उनके पास कोई नहीं जाता। ये है एक बड़ा डबल स्टैंडर्ड। इसीलिए वेकअप इंडिया। नमस्कार।